प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, ये देखिए ये बनाया बड़ी मुश्किल से और 7:30 हम लोगों को यहीं पे हो चुके हैं। गैस हेड किट खोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखो टंकी टुंकी तो उतार दी है नीचे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ ग्राउंड में और अभी मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ ही गए हुए, पर एक गए हुए कि आए नहीं हैं वो नहीं मुझे पता, पर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ ग्राउंड तक। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा, वो लोग भी उतनी देर में आ ही जाएंगे। और सुबह सुबह क्या माहौल होता है यहाँ पे, चारों तरफ से आपको, अगर मैं चुप रहूँगा ना बिल्कुल चुप, तब आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ जाएगी। धूप लग चुकी है और एक्सरसाइज भी मेरी हो चुकी है कम्प्लीट, और अभी धूप में रहता हूँ थोड़ी देर, विटामिन डी लेता हूँ और अपने दोस्तों का कॉल कूल घुमाता हूँ। आज तो आए नहीं है भाई, सुबह सुबह क्या चक्कर हो गया। चलो मेहमान मेहमान हो सकते हैं। गड्डी गुड्डी स्टार्ट कर दी है, अपन जा रहे हैं चढ़गांव, क्योंकि स्प्रे करने वाली मशीन अपनी ख़राब है, मामा जी ने ला ली थी तो उसको बनाने जा रहा हूँ मैं, पेट्रोल लाने जा रहा हूँ। स्प्रे का टाइम आ गया ना नज़दीक, तो उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा रोडू। तो मेरे साथ आज चल रहे हैं मनीष मामा, गोलू, नीचे गुम्मा पुल में आएगा खालिद, और गाड़ी पता नहीं क्या ही ड्रामे कर रही है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। आपकी गाड़ी ऐसा करती है जैसा ये कर रही है इस टाइम पे, ये पता नहीं क्या ही आवाज़ अजीब ही हो रही है, ऐसे बंद होने जैसी। या तेल टंकी में एक साइड को चला गया, देखो यार। हम लोग चढ़गांव में पहुंच गए थे सारे लोग, और तहसील में थोड़ा सा काम पड़ गया था, फिर हम उधर चले गए थे, वहां से भी निपट के आ गए हैं। गाड़ी यहां पे पता नहीं क्या ही रीजन से बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर स्टार्ट भी हो गई थी, हम गाड़ी यहीं पर छोड़ के ऊपर चले गए थे। अभी आ गए हैं ऊपर से काम काज निपटा के, अब जाएंगे रोडू मशीन बनवाने और खालिद के लिए नई मशीन देखने। तो चलो चलते हैं, करते हैं ट्राई, यहाँ से आगे जाती है। हम लोग पहुँच चुके हैं रोडू में, मशीन भी निकाल दी है, खालिद ने यहाँ से नई मशीन लेनी है, ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिया हमने। चलो इसको बनने में कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से फिर बाकी काम करेंगे। मशीन दे दी है डॉक्टर साहब को यहाँ पे चेक करवाने को, और रश इतना कि हमारा नंबर लगना मुझे अभी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, पता नहीं वो कितनी देर लगनी है, तो नई मशीनें करने के बाद हमारा नंबर लगेगा। तो चलो अब नई मशीन देखते हैं खालिद के लिए। मशीन को बनने में लग रहा है बहुत टाइम, अब पता नहीं वो कितना टाइम लगेगा। हाँ बेटे कितना टाइम लगना है? लगेगी 4-5 घंटे। हाँ हाँ हाँ, पूरी शाम यहीं हो जानी आज हम लोगों को शायद, देखते हैं क्या होता है। ये है खालिद को मशीन की डील ओके हो चुकी है, अभी तक वही बात कर रहे थे हम लोग, अपनी मशीन भी लगी हुई यहाँ पे काम होने, ये रही इधर गोलू आ गया यहाँ पे, अब मशीन भी बनने लगी है, मशीन भी बन जाएगी थोड़ी ही देर में, जितनी भी देर लगेगी इसके जो इसने इलेक्ट्रिक मशीन ली है खालिद ने, तो उस करके उसको असेंबल करने में टाइम लगेगा, और यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं सुबह से रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ। चलो जितना भी है बढ़िया है, बाकी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे असेंबल करेंगे जब। गैस हेड किट खोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखो टंकी टुंकी तो उतार दी है नीचे, अब इसमें फॉल्ट पता चलेगा कि क्या गया है क्या नहीं गया है। ये ऊपर वाले दो नट स्लिप हैं, अब इन्हें ठीक करके देंगे अंकल जी हमें, दो ये दो, हाँ और स्लिप है ये, तो इसके लिए ये ऐसे ऐसा पता नहीं क्या तामझाम लगता है, 1 घंटा लगेगा इन दोनों को कंप्लीट करने में और बनाने में पूरा, फिर जाके इससे जो ये गैस हेड किट है ना इससे लीकेज नहीं होगी, जो बाहर को आ रहा है ना जैसे जला जैसा, ये दो नट स्लिप थे तो यहाँ से गैस बाहर निकल जाती थी इसलिए दिक्कत आ रही थी मशीन में, बाकी सारी चीज़ें सही है। खालिद की मशीन की मोटर भी आ चुकी है, चस्सी भी आ गई है, अब थोड़ी देर में हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ये मिल चुकी है। प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, ये देखिए ये बनाया बड़ी मुश्किल से, और 7:30 हम लोगों को यहीं पे हो चुके हैं, गड़बड़ हो गई अब तो, आज तो बहुत लेट हो गए हम लोग।
गाइस तो बड़ी मुश्किल से फ्री हुए हैं, अभी बाहर हो चुका है अंधेरा, सामान सुमान हमने यहाँ देखो, यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो, दो दो मशीने, फिर अभी पेट्रोल ले जाना है इनमें भर भर के, इधर हिसाब किताब में लगा हुआ है बंदा। और अभी फिलहाल निकलने लगे हैं, सुबह से सर दर्द हो चुका है, दिमाग खराब इतना कि आपको बता नहीं सकता कि किस हद तक हमारे साथ सीन हो गए यार, बड़ा अटपटा सीन हुआ है आज हमारे साथ। अभी 7 बज चुके हैं हम लोगों को यहीं पे, और इधर भी जाम जूम लग रहे हैं, गाड़ियां गुड़ियां मुड़ रही है दिन दहाड़े बीच रोडों में हाईवे पे, तो अभी हम लोग चले हैं यार, सर दर्द हो गया आज बहुत ज़्यादा, यहाँ भी इतना टाइम लगा, इतना रश था ना, और हम लोगों ने मशीन का आधा काम हो चुका था, आधे में फिर काम रोक दिया तो उस चक्कर से ना लेट ही हो गए बहुत ज़्यादा, फिर हम दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे ना, फिर जो मशीन थी इलेक्ट्रिक वाली उसकी बात भी यहीं पे हो चुकी थी, फिर हमें लगा कि पूरा वेट यहीं कर लेते हैं, और सुबह से शाम यहीं हो गए, ऐसा सोच के भी नहीं आए थे, और काम भी थे चढ़गांव में, बट वो हो नहीं पाए, टायर नहीं बनवा पाए, मेन बात ये है, चलो करते हैं धीरे धीरे। पहुँच चुके हैं चढ़गांव में, और आज का दिन के बारे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ऐसे ही था बड़ा बोरिंग सा दिन, और अभी फिलहाल यहाँ से भी घर को निकलने लगे हैं, टैक्सी स्टैंड में रुके हैं, गोलू कुछ खाने के लिए लाएगा, सुबह से सर दर्द हो चुका है, तो ऐसे फालतू की चीज़ें खा रहे हैं सुबह से लेके अभी तक, अगर दिन को कहीं चले जाते थोड़ा भी मिस हो जाते ना, तो मशीनें आज अभी भी हम वहीं होने थे फंसे फिर, तो बस यही है आज के असली मसले, अभी निकलते हैं यहाँ से घर को, फिर बताते हैं आपको आगे के प्लान, पीछे मेरे पीछे करोड़पति बैठे हुए अभी, फिलहाल इन्होंने पैसा लगाया है गेम में, तो थक हार के पहुंच चुके हैं घर पे, और अभी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी भूख लग के, बैटरी लो, हमारी भी बैटरी लो, फ़ोन की भी बैटरी लो, तो अभी पहुंच गया हूँ घर पे, अब इसके बाद अपने काम को निपटाता हूँ, और ये दिन होता है यहीं पे ख़त्म, अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर एंड, अब इसके बाद मुझे अपने काम धंधा निपटाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।